मृत्यु यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम सभी के दिल में एक अजीब सा डर उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह वो सत्य है जिसे हम जितना भी नकारना चाहें वो हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। मृत्यु के साथ हमारा सारा संघर्ष हमारे जीवन के साथ जुड़े अस्थाई सुख दुख से ही है। लेकिन क्या हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते? शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि मृत्यु हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। जैसे हर रात के बाद दिन का आगमन होता है, वैसे ही हर जीवन के बाद मृत्यु आती है। यह एक अनिवार्य चक्र है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारी पुरानी संस्कृति में मृत्यु को केवल एक शरीर के नष्ट होने के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। हम में से कई लोग शायद इस सत्य से डरते हैं, लेकिन अगर हम इस भय को अपने भीतर से निकाल दें तो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जीवन को इस तरह से जियो कि जब मृत्यु का समय आए तो हम निश्चिंत होकर इस संसार से विदा लें। याद रखें, मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसे जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल एक पर्दा है जिसके पीछे एक नई दुनिया हमारी प्रतीक्षा कर रही है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे वास्तव में जीवन से डरते हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है। यदि हम जीवन को पूर्ण रूप से जीने का साहस रखते हैं तो हमें मृत्यु का भी स्वागत करना आना चाहिए। मृत्यु केवल एक मार्ग है जो हमें हमारे अगले गंतव्य की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हम सभी को तय करना है। तो क्यों ना हम इसे एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। एक नई यात्रा के रूप में मृत्यु से डरना बंद करो और जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करो, क्योंकि अंत में केवल वही जीता है जिसने मृत्यु से ऊपर उठकर जीवन को समझा है। मृत्यु की अवधारणा पर गहराई से विचार करें। यह जीवन का अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती है और आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु हमें सिखाती है कि हर चीज क्षणिक है। हमारी इच्छाएं, हमारे दुख, हमारी खुशियां, यहां तक कि हमारे रिश्ते भी। यह क्षण भंगुरता हमें सिखाती है कि हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। जैसे एक नदी की धारा निरंतर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू हमें सिखाता है कि हमें हर दिन को महत्व देना चाहिए, जबकि दूसरा पहलू हमें बताता है कि हमें अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बिना किसी भय के बढ़ना चाहिए। जीवन और मृत्यु का यह संतुलन हमें सिखाता है कि हमें न तो किसी चीज से अधिक जुड़ाव रखना चाहिए और न ही किसी चीज को खोने का डर। जैसे एक सूर्यास्त के बाद सूर्य फिर से उदय होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। हम सभी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अपने प्रियजनों को छोड़कर जाना होगा, लेकिन यह जाने का समय एक नई यात्रा की शुरुआत भी हो सकता है। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि जब वह पल आए तो तुम्हारे पास कोई पछतावा ना हो, बल्कि एक संतोष हो कि तुमने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया है। रात के इस शांतिपूर्ण आकाश को देखो, यहां हर तारा हमें बताता है कि अंधकार के बाद भी रोशनी होती है। मृत्यु के बाद भी जीवन का एक नया रूप होता है। हमें बस इसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वह वास्तव में जीवन को समझने लगता है। यह व्यक्ति जानता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवसर है आत्मा के विकास का। इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि जब हमारा समय आए तो हम उसे गले लगा सकें बिना किसी डर के। हर धर्म, हर संस्कृति हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है। यह शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित रहती है, एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ। मृत्यु का यह रहस्य हमें जीवन के सबसे गहरे अर्थों को समझने का अवसर देता है। जीवन को एक वृक्ष की तरह देखो। इसकी जड़ें भूतकाल में होती हैं, लेकिन इसकी शाखाएं भविष्य की ओर बढ़ती हैं। मृत्यु इस वृक्ष के लिए केवल एक रथु है
जिसके बाद नए पत्ते, नए फूल और नए फल आते हैं। यह परिवर्तन का प्रतीक है और यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो आइए हम मृत्यु को जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि उसके साथी के रूप में स्वीकार करें। यह जीवन को और भी मूल्यवान बनाता है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन को समझते हैं। जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के दो हिस्से हैं। जिस दिन हम इस सत्य को समझ लेंगे, उस दिन हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे।